वेटिंग बस चल रहा है ये अब चल क्या किसी का कलेजा पेड़ पे टंगा होता है सबका कलेजा सबके पास होता है आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग को हमेशा अपनी मुसीबत में अपना दिमाग लगाना चाहिए और हम लोग को मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए धन्यवाद। एक बार की बात है एक नदी में मछलियाँ रहती थी उनके साथ एक केकड़ा भी रहता था। नदी के किनारे एक पेड़ पर बकला भी रहता था। वह बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया था इस वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। फिर वह बहुत भूखा रहता था। फिर एक दिन रोना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद केकड़े ने पूछा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस तालाब का पानी बहुत ही जल्द सूख जाएगा फिर तुम सब मर जाओगे। फिर केकड़े ने पूछा बकुला भाई तुमने जो मछली ले गई थी वो खुश तो है ना तालाब में। उसने सोचा मैं अब इसे क्या जवाब दूं। फिर उसने बोला चलो अब इसे बता ही देते हैं कि वो मेरे पेट में है। फिर केकड़े ने बोला नाम अक्षित यादव है मैं कक्षा 1A में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है प्यासा कौवा। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है एक प्यासा कौवा एक गांव के ऊपर से जा रहा था तो उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी तो उसको एक मटका दिखता है घर के सामने। वो नीचे जाकर दिखता है तो उसमें बिल्कुल पानी बहुत कम होता है तो उसे आसपास के कंकड़ दिखते हैं जिसको इकट्ठा कर वो एक एक करके पानी में डालकर पानी ऊपर। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत हुई हूँ लालू और पीलू। एक मुर्गी थी उसके दो बच्चे थे एक का नाम लालू था एक का नाम पीलू था। लाल रंग की चीज लगी हुई है उसको उसने खा लिया। फिर उसने उसको खाया तो उसे बहुत ज्यादा मिर्ची बन गई। फिर पता चला अरे तो मिर्ची है। फिर उसका भाई पीलू गुड़ लेके आया इससे पहले इसे खा लो तुम्हारे मुंह में मिठास आएगी तो उसने उसे खा लिया। मुर्गी ने इन लोगों देखा उनको गले से लगा लिया। मेरे पोएम का नाम है अधिक बलवान कौन है। एक बार हवा और सूरज में बहस चल गई। हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज ने कहा मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है। जमीन पर पड़ी। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी इस आदमी हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की। हवा चलने लगी आदमी की टोपी उड़ गई पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर पर लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चल रहा थी। वो हर तरह रोज जाता था बस चलाकर आ रहा था तो उसके सामने एक हाथी आकर रुक गया और कहा कि मेरे को खाना दे दो मेरे जंगल में कुछ नहीं खाने के लिए बचा है। इसीलिए उसने मांगा तो फिर वो अगले दिन केला लेकर आ रहा था तो फिर वो खा रहा था। मैं कक्षा 5C की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे एक का नाम राम दूसरे का नाम श्याम। राम बहुत ही ईमानदार और निर्दयी इंसान था और दूसरी तरफ श्याम बहुत लालची और कंजूस इंसान था। राम सुबह की तरह फिर से काम पर जा रहा था। श्याम ने उसे देखा और बोला कि राम तो पागल है सुबह सुबह ही काम करने लगता है। राम एक पेड़ पर गया लकड़ियां काटने लगा। उसने कहा अरे ये क्या हो गया मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई।
वह रोने लगा। पानी में से एक देवी प्रकट हुई। उसने उन्होंने कहा, क्या हुआ वंश, तुम क्यों रो रहे हो? इस प्रकार में एक बार की बात है, एक आश्रम में तीन शिष्य अपने गुरु के साथ रहते थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी शिक्षा संपूर्ण करके वो गुरु जी के पास गए और बोले कि तुम हमारी शिक्षा पर हो, हमारी शिक्षा संपूर्ण हो चुकी है, अब आप अपने गुरु दक्षिणा में क्या लेंगे? तो गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ये गुरु दक्षिणा में बहुत एक थैला भर के सूखे पत्ते लूंगा। शिष्य मन मन मुस्कुराए और बोले कि ये भी कोई बड़ा प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े लोगों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जले, खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या आज देख ही लेते हैं कि उसकी दिमाग की गहराई कितनी है। ख्वाजा सरा ने अकबर को सारे सवाल लिख कर दे दिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, क्या बात है, आपने मुझे आप जैसा प्रश्न पूछेंगे वैसा ही तो जवाब होगा। धन्यवाद। किसी से कम नहीं। एक बार एक आदमी था जिसका नाम रमेश था। उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी एक कन्या पैदा हुई। उस गांव में बेटियों को बिल्कुल सत्कार नहीं आई। उस टीम में मीना भी थी। मीना और उसकी टीम ने दिन रात गांव वालों की सेवा की और उनको ठीक कर दिया। गांव वालों ने मीना के परिवार को धन्यवाद कहा और चले गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लड़कियों को लड़कों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। कि चिड़िया कैसे होती है, कुछ लोगों ने जवाब। मैं बात कर रही हूँ थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में। वह एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। वह जब 5 साल की आयु में उन्होंने एक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। पहले में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके स्कूल से शिकायतें आने लगी। शिकायत में यह था कि वह इतने सवाल पूछते थे कि टीचर भी हैरान हो जाते थे। टीचर है इस वजह से कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है अच्छी सी। एक बूढ़ा आदमी था। उसके 4 पुत्र थे। वे आपस में लड़ा करते थे। बूढ़ा आदमी नहीं चाहता था कि वे आपस में लड़े। बूढ़ा आदमी एक बार एक जंगल में जाके कुछ लकड़ियां ले आया और अपने 4 पुत्र को एक एक देख के बोला कि इसे तोड़ के दिखाओ। 4 पुत्रों ने बहुत आसानी से इसको तोड़ दिया। बूढ़े आदमी ने एक एक गट्ठर थे तो वो सब नहीं तोड़ पाए। तो बूढ़े आदमी ने कहा, देखा तुमने, ये जब लकड़ी अलग अलग थी तो तुम तोड़ दिए, जब साथ में आ गए तो तुम नहीं तोड़ पाए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एकता बनाई रहनी चाहिए। बता रही है फिर भी वह शहद का लालच छोड़ ना पाए और शहद खाने चली आई। और मेरा नाम ओजस यादव है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो कुछ इस प्रकार है। एक बहुत ही बड़ा जंगल था जिसमें 4 गहरे मित्र रहते थे, कछुआ, खरगोश, हिरन और चूहा। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे सब सुबह के समय भोजन की तलाश में निकले। शाम को तो तीनों आ गए, लेकिन हिरन अब तक भी नहीं आ रहा। कैद है। कौवे ने कहा कि चलो हम सब चलकर वहाँ पास में, और चूहे ने हिरन का जाल के कारण वो पकड़ा गया। तब हिरन को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा कि मैं कछुए की जान बचाऊंगा। तब कौवे ने कहा कि तुम उसी ऐसा नहीं है। हमारी वही एच एम मैडम है, हमारे वही सब शिक्षक हैं, आप भी सब दोस्त वही बैठे हैं, लेकिन आप अपनी बात को कहने में संकोच करते हैं। मैं इसी थोड़ा गर्मी के कारण हम बच्चों को यहाँ एकत्र तो नहीं कर पाए, अपने सभी बच्चों को, लेकिन फिर भी जो बच्चे हमारे यहाँ हैं
जो इसका आनंद लिए, और इससे बेटा हमको ये सीख लेनी है कि हमको अपनी बात कहने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। ज्यादातर कहानियों का हमारा उद्देश्य था कि हमको ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, और जब हम ईमानदारी के रास्ते पर हम चलेंगे तभी हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग पालन करोगे ना? हाँ। मुख्य अध्यापिका महोदय और बैठे हुए सभी शिक्षक साथी, इतना गर्मी में आपके साथ लगे हुए हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आसान नहीं है, ये ऐसी गर्मी है जो स्टेज पर ज्यादा लगती है, बल्कि आप अगर धूप में भी रहिए देखिए कम लगेगी, क्योंकि बाहर से हवा आती है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। और आप आकर के यहाँ बैठे, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए लगती है। एसोसिएट सीसी इंचार्ज, सभी जजेस और सभी प्यारे बच्चों, आज सबकी कहानी सुनी गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्लास वन के बच्चों ने भी कहानी बहुत अच्छी सुनाई। क्लास फाइव से ज्यादा अच्छा किस बच्चों ने? क्लास वन के बच्चों ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, ठीक है। लेकिन सभी सुनाते हैं उसको भी याद करेंगे, और कहानी की बहुत सारी किताबें हम लोग के पास हैं, वो भी आप कहानियां हम लोगों ने आज सुनी।